तो आज हो चुकी है सूर्या की कंगूबा मूवी रिलीज, जिसको मैंने हिंदी में देखा और देखने के बाद मुझे मूवी कैसी लगी, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है मूवी के बारे में, इस मूवी में पॉजिटिव चीजें क्या हैं और मूवी में निगेटिव चीजें क्या हैं, और क्या ये मूवी बर्थवाच है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, वो भी बिना किसी स्पॉइलर दिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में, स्टोरी के बारे में, जो कि बिल्कुल ही अलग लेवल का है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है फ्रांसिस नाम के बंदे के साथ, जो कि एक बाउंटी हंटर होता है, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है हमारे सूर्या ने, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है एक लड़के की, जिसको कि फ्रांसिस नहीं जानता है, लेकिन इस लड़के को मारने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े हैं। आगे चलकर फ्रांसिस को पता लगता है कि उस लड़के के साथ उसका कुछ कनेक्शन है। वेल, ये कनेक्शन क्या है और वो लोग उसको मारने के लिए क्यों पीछे पड़े हैं, इस वाली मूवी को देखने के बाद पता लगेगा। तो बस हो गई स्टोरी कंप्लीट, अब बिना किसी स्पॉइलर दिए और क्या ही बताया जा सकता है। लेकिन अभी रुको जरा, क्योंकि मूवी के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। वेल, अगर मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए, और मैं जानता हूँ कि जितने भी नॉर्थ इंडियन फैंस हैं, वो सूर्या से ज्यादा बॉबी देओल पे नजरें गड़ाए हुए हैं कि इनका कैरेक्टर कैसा है, और ये चीज मैं अपने दिमाग में भी लेके गया था मूवी देखने के लिए, जहाँ पर मैंने इनके सीन्स को बहुत ध्यान से देखा एंड लाइक इनके डायलॉग्स को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि एनिमल मूवी में छाप छोड़ने के बाद ये इस मूवी से एज अ विलन वापसी कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वेल, इनका कैरेक्टर वेल रिटन है, जो कि बहुत अच्छे से लिखा गया है और बहुत अच्छे से डायलॉग भी दिए गए इनको, और इस कैरेक्टर को बॉबी देओल ने बहुत अच्छे से प्ले भी किया है। हालांकि ये कैरेक्टर एनिमल मूवी से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो अलग कैरेक्टर था और ये अलग कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर मुझे उस मूवी से ज्यादा पसंद आया। उसके साथ ही सूर्या ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और जितने भी कास्ट है सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और अगर मूवी के बीएफएक्स सीजीआई की बात की जाए, तो वो भी बड़े कमाल के हैं। हालांकि ट्रेलर में देखने के बाद ये लगा था कि बीएफएक्स सीजीआई खराब कर दिए इन लोगों ने, लेकिन मूवी में देखते टाइम यही लगा कि वो सारी चीजें फिक्स हैं और बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। लेकिन अगर इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं मूवी में, तो कुछ निगेटिव भी होगा, कुछ चीजें खराब भी हुई होंगी। तो मूवी के कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिनमें ज्यादा इम्पैक्ट डालने के चक्कर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, मतलब वो सीन्स कुछ लंबा खींच दिया गया है, जो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं आए। जिस तरह से इस मूवी से उम्मीद कर रहे थे, मूवी उसी लेवल की बनी है, मतलब ये मूवी सारे फैंस को पसंद आने वाली है। और एज अ नॉर्थ इंडियन फैंस, मैं भी जानता हूँ कि नॉर्थ इंडियंस लोगों को जैसी मूवी पसंद आती है, ये मूवी उसी हिसाब का टेस्ट लेकर आई है, और ये मूवी नॉर्थ इंडियन फैंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अभी जब जिसको दोनों तरफ से प्यार मिलेगा, तो मूवी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाएगी ऑब्वियसली, और बनाएगी नहीं, मूवी अभी रिकॉर्ड्स बना भी रही है। वेल, अगर ओवरऑल मूवी की बात की जाए, तो मूवी अभी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से फैंस ने एक्सपेक्ट किया था मूवी से, मूवी उसी लेवल की है। तुमने सूर्या के कैरेक्टर से जैसा उम्मीद की होगी, वो वैसा ही कैरेक्टर है। तुमने बॉबी देओल के कैरेक्टर से जैसी उम्मीद की होंगी, वो वैसा ही कैरेक्टर है, उसको उसी लेवल का बनाया गया। मूवी मेकर्स जानते थे कि बॉबी देओल से नॉर्थ इंडियन फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए स्पेशली उनके कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि देखने के बाद बहुत अच्छी वाली वाइब आई, बहुत अच्छा फील भी हुआ मुझे। पहले मैं एक बार फिर यही बोलूंगा कि मूवी इंटरटेनिंग है, इंटरटेनमेंट का एक डोज है, जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने वाले भी है, क्योंकि इसने एडवांस बुकिंग से ही कई सारे रिकॉर्ड बना लिए थे। और अभी जिस हिसाब की ये मूवी है, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि मूवी आने वाले टाइम में अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है। आने वाले टाइम में इसके बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में भी बात करते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।